नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो शोल्डर होते हैं, जो बगल यानी आरमोल की जो सिलाई होती है, वो अंडर पैकिंग स्टिचिंग हम कैसे करते हैं बहुत इजी तरीके से। क्योंकि आप देखते हो कि जो हमारे आजकल के जो ब्लाउज के टुकड़े आ रहे हैं साटन के, वो खुसने जैसे आते हैं। वो ऐसे जैसे उनकी जो लेयर होती है ना, वो इस तरह से धागे आप देख रहे हो, ऊपर ब्लाउज का जो शोल्डर देख रहे हो आप, देखिए कितने धागे निकल रहे हैं। इस तरह से जो धागे निकलने वाला जो कपड़ा होता है, उनसे धागे निकलते रहते हैं। तो कैसे हम उसको बढ़िया से स्टिच करें, और जो हमारी ये आर्म होल होती है बगल, उसकी सिलाई अंडर पैकिंग कैसे करें। तो आप देख सकते हो दोनों सिलाइयाँ मैं आपको परफेक्टली से अंडर पैकिंग स्टिचिंग, जिसमें कि आपको बाहर सिलाई नहीं दिखाई दे, सिलाई बिल्कुल कहीं से भी नहीं चुभेगी, और जो फफूंदरे निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि मैं आपको बहुत ही ईजी टिप्स बता रही हूँ कि शोल्डर और आर्म होल की हम अंडर पैकिंग स्टिचिंग कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारी जो सिलाई है वो कितनी बढ़िया आती है अंडर पैकिंग। इससे आपके जो खराब खुसने वाला जो कपड़ा होगा ना, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए इस तरह के कपड़े होते हैं, इनके धागे ना इस तरह से निकलते रहते हैं। आजकल के इस तरह के कपड़े आते हैं, तो अगर आप शोल्डर के अंडर पैकिंग स्टिचिंग कर लेते हैं तो ये सब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। इस तरह का आपको जो शोल्डर है इस तरह से नहीं खुलेंगे। तो मैं आपको सभी सिलाइयां जो अंडर पैकिंग करनी भी बताऊंगी, पर आज हम देखेंगे शोल्डर के अंडर पैकिंग स्टिचिंग। आप देख सकते हो बहुत ही बिल्कुल फिनिशिंग कैसे कैसे कि जब हम इस तरह से सीधा जो नेक लाइन अंदर की ओर फोल्ड कर देते हैं, डिज़ाइनर होता है या फिर और भी होता है। ये भी देखिए, ये आगे का नेक है, ये बैक साइड का नेक है डिज़ाइनर। मैं आपको तो इस तरह से दिखाती हूँ, ये हमारा बैक पार्ट है, और ये हमारे ब्लाउज का आगे का बोट नेक है। और यहाँ पे हमें शोल्डर की सिलाई करनी थी, और उसके अंदर भी क्या है ना कि ये जो ब्लाउज है ना, ये इस तरह से इसके धागे निकलते रहते हैं, धागे निकलते रहते हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इस तरह से इसकी, अब मैं आपको सिर्फ शोल्डर ही दिखा रही हूँ सीधा, इस तरह से इसके धागे निकलते रहते हैं। तो इनसे बचने के लिए मैंने आपको ये अंडर पैकिंग स्टिचिंग बताई है कि कैसे आपको इस तरह से सिलाई करना है। ये देखिए दोनों बिल्कुल बढ़िया से आप इसको सिल सकते हो। छोटी सी वीडियो है, फुल देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्या आपको पता है कि जो हमारे शोल्डर होते हैं उनके अंडर पैकिंग स्टिचिंग कैसे होती है। जब हम नेक लाइन को इस तरह से स्टिच करके अंदर की ओर फोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे हमारी पाइपिंग तुरपाई पट्टी कुछ भी नहीं होती है, इस तरह से होती है। और इसी तरह से ये भी हमारी नेक लाइन है, मैं आपको दिखाती हूँ बिग साइड का नेक इस तरह से है कि मैंने स्टिच करके इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिया था, तो यहाँ पे मुझे पाइपिंग पट्टी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारी बिग साइड का नेक है। तो एक शोल्डर को तो हम इस तरह से देख सकते हो आप, ओपन है, और एक जो हमारा शोल्डर है आगे की साइड का, वो है इस तरह से स्टिच किया हुआ है, मतलब ये जो इसकी साइड है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारे शोल्डर की ओन साइड है ना, ये ब्लाउज की, तो बैक शोल्डर को आगे के शोल्डर के ओन साइड पे ऐसे रखेंगे बराबर में। उसके बाद में आप यहाँ से देखिए, और इसके ऊपर हम इसको ऐसे रख देंगे। आगे का पार्ट पूरा का पूरा बीच के अंदर चला गया है, और अस्तर की साइड में अस्तर है, और मेन फैब्रिक की साइड में मेन फैब्रिक है। अब हम इसको सील देते हैं। मैं आपको एक अंडर पैकिंग स्टिचिंग बता दी हूँ शोल्डर की कैसे करनी चाहिए। बस सीधी सिलाई हमें लगानी है। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से इसकी डबल और पैकिंग सिलाई शोल्डर की कर ली है। अब जो ये आपके हिस्से से धागे निकल रहे हैं, खिन रहे ना, ये समस्या आपको कभी भी नहीं आएगी किसी भी ब्लाउज में। तो आप इस तरह से शोल्डर के अंडर पैकिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको ओन करके दिखाती हूँ। ये दोस्तों, हमारी जो सिलाई है वो कितनी बढ़िया आती है अंडर पैकिंग। इससे आपके जो खराब खुसने वाला जो कपड़ा होगा ना, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए इस तरह के कपड़े होते हैं, इनके धागे ना इस तरह से निकलते रहते हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इस तरह से इसकी,
अब मैं आपको सिर्फ शोल्डर ही दिखा रही हूँ सीधा, इस तरह से इसके धागे निकलते रहते हैं। तो इनसे बचने के लिए मैंने आपको ये अंडरपेकिंग स्टिचिंग बताई है। शोल्डर के बाद अब हम जानेंगे आर्मोल की अंडरपेकिंग स्टिचिंग, कि ये जो हमारे आर्मोल की यानी बाजू की जो सिलाई होती है वो अंडर स्टिचिंग कैसे करते हैं। देखिए आप, आपको कोई भी सिलाई यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, तो आज मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। देखिए दोनों साइड की बाजू में, देखिए आप इस तरफ भी आपको बाजू के अंदर कोई भी सिलाई नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से हम बाजू की सिलाई कैसे कर सकते हैं कि ये जो निकलने वाले होते हैं ना फुल से निकल जाते हैं आपकी बाजू से, वो बिल्कुल नहीं निकलेगी सिलाई, ये दोनों बीच के अंदर चली गई है और बाजू आपकी बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। तो चलिए मैं आपको अंडर पैकिंग बाजू की सिलाई करना बताती हूँ। देख सकते हो ये हमारे ब्लाउज का आगे का पार्ट्स और ये है पीछे का बैक साइड, और ये है हमारे ब्लाउज की आर्मोल यानी बाजू लगाने का साइड, ये आगे की साइड है और ये बैक साइड है, बाजू यहाँ पे लगाएंगे हम। तो अभी हम मैं आपको आज अंडर पैकिंग स्टिचिंग बता रही हूँ कि बाजू की हम अंडर पैकिंग स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान करना होगा, देखिए बाजू के अंदर, कि बाजू का बैक साइड इस तरफ है और ये आगे की जो शेप कटिंग की हुई वो इस साइड है। चलिए ठीक है ना। और अब हम देखेंगे इसका मिडिल सेंटर, यहाँ पे ये इसका जो कट लगा हुआ ये हमारी बाजू का मिडिल सेंटर है, इसको हम यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, ठीक है ना। ऊपर के पार्ट्स की तरफ ऊपर का पार्ट्स लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। देखो कैसे सिलते हैं, बाजू की साइड को नीचे रखेंगे, ठीक है, इसको हम ऊपर रखेंगे अपने ब्लाउज के पार्ट्स को और इस तरह से हम इसकी सिलाई ले लेंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि बस एक एक पार्ट्स की आपको सिलाई करनी है, लाइनिंग का पार्ट्स अलग सिलना है और मेन फैब्रिक का पार्ट्स अलग अटैच करना है। तो एक सिलाई हो गई है, अब वापस सेंटर पॉइंट से बैक साइड की ओर सिलाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है पहले उसको मैंने सिल दिया है और अब हम यहाँ पे लाइनिंग के पार्ट्स की सिलाई भी आपको बताते हैं कैसे करनी है। तो ये एक पार्ट्स हमने यहाँ पे जॉइंट किया है आगे की साइड में भी और बैक साइड में भी, तो सिर्फ एक एक पार्ट्स को हमें जोड़ना है। अगर हमें चाहते हैं कि हम अंडर पैकिंग स्टिचिंग लें तो हमें क्या करना होगा, एक पार्ट्स को जोड़। अब देखिए ये बाजू और आप देख लीजिए, इसका ये आगे की साइड है और ये बैक साइड है, और हमारे ब्लाउज की आगे की साइड इस तरफ है और बैक साइड इस तरफ है। तो आगे की साइड में आगे की साइड वाला पार्ट्स रखेंगे, ये आगे मिडिल सेंटर यहाँ पे सेंटर पॉइंट और ये बैक साइड पार्ट्स हो गया। अब क्या करना, आपको इस तरह से रखना है इसको, आप चाहे तो इसको नीचे की ओर रख करके भी स्टिचिंग ले सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, सिलाई करनी है बस। इसको आपको करना क्या होता है, अगर आप अंडर पैकिंग स्टिचिंग चाहते हो तो आपको इसको अलग अलग स्टिच करना है, ऑन साइड की तरफ ऑन साइड का फैब्रिक और बैक साइड की तरफ यानी लाइनिंग के साइड में लाइनिंग वाला पार्ट्स जॉइंट करके, और इस तरह से बस एक एक सिलाई लगा दें। वैसे तो हम बाजू की डबल स्टिचिंग तो करते ही हैं, परंतु इसमें एक एक पार्ट्स जोड़ते हैं इसलिए सिंगल सिंगल सिलाई करके भी आप दो सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको डबल स्टिच करके और लाइनिंग का पार्ट्स भी अटैच कर लिया है। बस आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी तरीका है, इससे आपके ब्लाउज की जो खुसने की समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग के पार्ट्स को भी अटैच कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दोनों पार्ट्स हैं, देखिए बाजू कितनी परफेक्ट हो गई है ना। इस तरफ भी देखिए, ये देखिए बिल्कुल से बढ़िया से हो गया है। अब जो आगे की ओपन साइड है वहाँ पे हम तुरपाई की पट्टी लगाएंगे और इसको स्टिच कर देंगे, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को लगानी आती है तुरपाई की पट्टी। देखिए दोस्तों, मैंने इसके यहाँ पे पट्टी लगा करके इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है, ये हमारी बाजू है। और अब आप इसकी ये सिलाई देखें, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल से सारी सिलाइयाँ आपको अंडर पैकिंग ही दिखाई देगी, कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देखा। बहुत ही अच्छे से ये देखिए आप, बाजू की सिलाई तैयार हो गई है, बिल्कुल से सारी अंडर पैकिंग स्टिचिंग होगी।
तो कैसी लगी आज की हमारी अंडरपैकिंग बाजू की सिलाई? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।